Hello students, welcome to our channel Edu Entertainment. First of all, I am thankful to all our viewers and subscribers for supporting me, giving me suggestions and all things. I have no words to express that I didn't expect that much of viewership. So I am very very thankful to all our viewers and subscribers. So बच्चों आज हम दो टॉपिक करेंगे. हमारा पहला टॉपिक होगा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक और हमारा दूसरा टॉपिक होगा रिवाइजिंग रैशनल नंबर्स. सो हमारे ये पार्ट टू में ये तो हम दो टॉपिक सीखेंगे, इसके थोड़े बहुत एग्जांपल करेंगे और पार्ट थ्री में हमारा जो एक टॉपिक रहेगा रिवाइजिंग इरेशनल नंबर वो हम पार्ट थ्री में कवर करेंगे. सो आप हमारे साथ बने रहिए, ये हमारे साथ पार्ट टू देखिए और ये दो टॉपिक में आसान भाषा में एंजॉयमेंट के साथ सीखिए. मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने पार्ट वन नहीं देखा है इस वीडियो का, इस सीरीज का, तो आप जरूर हमारे चैप्टर वन मेरा नंबर पार्ट वन हमारा जरूर देखें, जिससे आपको ये पार्ट टू समझने में और आसानी हो और इंटरेस्ट आए. सो थोड़ा जोश के साथ शुरुआत करते हैं. हमारी जोश के साथ शुरुआत हो गई है तो हम पहला टॉपिक समझते हैं जिसका नाम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक. तो हम सिंपल भाषा में समझने की कोशिश करते हैं वो इसकी डेफिनेशन क्या है, वो इसका कंसेप्ट क्या है कि एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी फैक्टराइज और एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स. हम इसको सिंपल हिंदी में समझने की कोशिश करते हैं कि एवरी कोई भी कॉम्पोजिट नंबर हो, हम उसका फैक्टराइजेशन करके हम उसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के तरीके में दिखा सकते हैं और उसको दिखाने का सिर्फ एक ही एक तरीका होगा, यूनिक वे होगा उसको दिखाने के लिए. यही बस ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक. जो हम ये डेफिनेशन को, ये कंसेप्ट को समझने के लिए एक सिंपल एग्जांपल ले रहे थे जिससे आपको ये थ्योरम क्लियर हो जाएगा. एक एग्जांपल है जैसे 18 हो गया, 18 इक्वल्स टू 2 × 9, पर हमको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में दिखाना है इसलिए 2 × 9 को हम लिख सकते हैं 3 × 3 और इक्वल्स टू, और ये 18 इक्वल्स टू 2 × 3 × 3 हो गया और ये प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में हमने दिखा लिया, 18 को फैक्टराइज कर दिया और इसको दिखाने का एक ही तरीका है 2 × 3 × 3, और कोई तरीका हो ही नहीं सकता. सो हमारा ये कंसेप्ट बोलना चाहता था, ये जो थ्योरम था कंसेप्ट था ये बोलना चाहता था. और इसमें और एक कंसेप्ट आता है ऑर्डर ऑफ फैक्टराइजेशन, जो भी प्राइम है उसका ऑर्डर क्या है. तो हम 18 को और आगे ले जाए तो 2 × 3 का स्क्वायर भी बोल सकते हैं. तो हमारा ऑर्डर ऑफ 2 हो गया 1 और ऑर्डर ऑफ 3 हो गया 2. ओके, तो ये एक सिंपल एग्जाम्पल था ये टॉपिक को, ये कंसेप्ट को समझने के लिए. सो बच्चों हम इस थ्योरम के एप्लीकेशन पे आते हैं. इसका एप्लीकेशन है टू फाइंड HCF एंड LCM ऑफ 2 or more गिवन नंबर्स. दो और दो से ज्यादा दिए हुए नंबर्स के जब हम HCF और LCM फाइंड करेंगे तो हम इस थ्योरम का, इस कंसेप्ट का यूज करेंगे. वो हम कैसे करेंगे इसका छोटा सा एग्जाम्पल दिखा दो जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि इसका यूज करके हम कैसे HCF और LCM फाइंड करेंगे और इसके एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज में सम्स दिए हुए हैं. सो बच्चों इस थ्योरम के एप्लीकेशन को समझने के लिए हम एक एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं. एग्जांपल फाइंड HCF एंड LCM ऑफ 30 और 90. सो अकॉर्डिंग टू द थ्योरम, हमने जो थ्योरम पढ़ा, जिस जो भी नंबर दिया हो उसका हम फैक्टराइजेशन करते हैं और वो फैक्टराइजेशन वो जो नंबर है उसको हम यूनिक फॉर्म में डिस्प्ले कर सकते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर. सो हम 30 इक्वल्स लिख सकते हैं 2 × 3 × 5 2 × 3 = 6 6 × 5 = 30. 90 को हम लिख सकते हैं 2 × 3 × 3 × 5, मतलब अपना हो सकता है 2 × 9 × 5 9 × 5 = 45 और 45 × 2 = 90. सो हमने फैक्टराइजेशन कर लिया 30 और 90 को, यूनिक वे में हमने उसको एक्सप्रेस कर लिया. और ध्यान रखना बच्चों के फॉर्म लिखते हुए लास्ट टाइम आप जब लिखे इसका फैक्टराइजेशन करने के बाद तो P1 smaller than P2 smaller than P3 का फॉलोएशन करें, मतलब 2 × 3 × 5 लगे, पहले छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा. ऐसे बच्चों हमारा एप्लीकेशन था कि HCF और LCM फाइंड करना है दो और दो से ज्यादा दिए हुए नंबर्स पे. हमारे इस एग्जांपल में सिर्फ दो ही नंबर दिए हुए 30 और 90. तो HCF है 30 और 90 स्मॉलेस्ट पावर कॉमन फैक्टर. दो गिवन नंबर्स है उसमें जो कॉमन फैक्टर होगा, इसमें 2, 3 और 5 तीनों तीन कॉमन फैक्टर है, उसका जो स्मॉलेस्ट पावर होगा, 2 का स्मॉलेस्ट पावर है इस दोनों एग्जांपल में 1 ही है, 3 का स्मॉलेस्ट पावर, यहाँ पे 3 का पावर 1 है और यहाँ पे 3 का पावर 2 है, तो हमको स्मॉलेस्ट पावर लेना है, 3 का पावर 2 नहीं लिया, 3 का पावर 1 लेना है.
और यहाँ पे 5 का पावर 1 है, यहाँ भी 5 का पावर 1, स्मॉलेस्ट पावर हमारा यहाँ भी 1 ही है, तो हमारा हो गया इक्वल्स टू 2 raised to 1, क्योंकि हमारा दोनों में दोनों को हम जब देखते हैं तो हमारा स्मॉलेस्ट पावर 1 ही है, 3 में हमारा देखते हैं कि 1 में 2 1 में 1 है, तो हमको 2 नहीं लेना है 1 लेना है, स्मॉलेस्ट पावर लेना है, और 5 और 5 raised to 1 में हमारा 5 raised to 1 1 हमारा स्मॉलेस्ट पावर है, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 30, तो HCF of 30 और 90 है 30। अब इसको हमारे पार्ट 1 में जो हमने मेथड सीखी थी HCF और LCM फाइंड करने के, इससे भी आप कंपेयर कर सकते हैं और आप सीख सकते हैं कि ये राइट आंसर है, आप देख सकते हैं कि हमारा ये राइट आंसर है या नहीं। तो हमारा दूसरा एप्लीकेशन पे आते हैं, दूसरा एप्लीकेशन है LCM of 30 और 90, तो इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट पावर ऑफ प्राइम नंबर्स इन्वॉल्व इन द गिवन नंबर्स। अब यहाँ पे ये नहीं देखना है कि दोनों में कॉमन क्या है, ये दोनों में कॉमन भूल जाना है, अब हमें देखना है कि कितने प्राइम नंबर्स इन्वॉल्व है, 2 या 3 जितने भी गिवन नंबर्स हो, इसमें हमारे प्राइम नंबर इन्वॉल्व है 3, 2, 3, 5, किसमें होंगे कि 2, 3, 5, 7 सब प्राइम फैक्टर्स जो कॉमनली यूज होते हैं वो सब इन्वॉल्व हो गए, किसमें 2 और 3 इन्वॉल्व होगा, मतलब 2 और 3 का ही हमारा प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व होंगे, तो हमारे जितने भी प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व है जो भी 2 गिवन नंबर है, हम उसका हमें ग्रेटेस्ट पावर लेना है, अब हमें स्मॉलेस्ट पावर नहीं लेना है, तो उसमें हमारा 2, 3, 5 हमारा अवेलेबल है, हमारा प्राइम नंबर यूज हुए हैं, तो हमारे 2, 3, 5 में से सबसे बड़ा पावर 2 का है 1 ही है, 3 का सबसे बड़ा पावर है 2 और 5 का सबसे बड़ा पावर 1 ही है, तो हम इक्वल्स टू लिखेंगे 2 raised to 1 into 3 square into 5 raised to 1, तो हमारा इसका आंसर आ जाएगा इक्वल्स टू 90। तो ये हमारा HCF हो गया, ये हमारा LCM हो गया। सो हम एक और एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा, एक और एग्जांपल लेते हैं, ले लेते हैं अपने 4 and 20, ये एग्जांपल लेते हैं, तो हम 4 को लिख सकते हैं इक्वल्स टू 2 into 2 विच इज इक्वल्स टू 2 square, 20 को लिख सकते हैं हम 2 into 2 into 5, 5 is 10 or 10 is 20, so equals to इसको भी लिख लेते हैं 2 का स्क्वायर और 5, तो पहले हम फाइंड कर लेते हैं HCF, HCF of 4 and 20, क्या होगा smallest power of common factor, हमारा common factor क्या है सिर्फ 2 है, तो हम दोनों का HCF फाइंड करते हैं HCF of 4 and 20, तो HCF कैसे फाइंड करना है कि स्मॉलेस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर, तो हमारे ये दोनों नंबर्स में कॉमन फैक्टर है 2 और इसका स्मॉलेस्ट पावर ही है 2, तो हमारा HCF हो जाएगा 2 का स्क्वायर मतलब 4, और हमारा LCM आ जाएगा LCM of 4 and 20 ग्रेटेस्ट पावर ऑफ प्राइम नंबर्स इन्वॉल्व, तो प्राइम नंबर्स हमारे इस दोनों में इन्वॉल्व है 2 और 5 दोनों ही इन्वॉल्व है, और 2 तो हमारे इसको हमारा ग्रेटेस्ट पावर लेना है, तो 2 का ग्रेटेस्ट पावर 2 है और 5 का ग्रेटेस्ट पावर 1 ही है इक्वल्स टू 4, 5 is 20, सो हमारा ये हमारा HCF आ गया, हमारा LCM आ गया, सो इस दो एग्जाम्पल से आपको ये क्लियर ही हो गया होगा। सो बच्चों ये एक फॉर्मूला है जो हमको याद रखना है, उसका यूज करना है, किसी एग्जांपल में हमको 2 नंबर्स नहीं गिवन होंगे, हमको HCF दिया होगा और 2 नंबर्स दिया होगा और हमको बोलेंगे कि आप LCM फाइंड करेंगे, तो अब ये इतने बड़ा मेथड यूज करने का कोई मतलब सेंस ही नहीं बनता, अब इस फॉर्मूला का भी यूज करेंगे तो आपको LCM दिया होगा तो आप HCF फाइंड कर सकते हो और HCF दिया होगा तो आप LCM फाइंड कर सकते हो, तो फॉर्मूला क्या है HCF ऑफ ABC कितने भी नंबर्स हो सकते हैं, LCM ऑफ ABC कितने भी नंबर्स हो सकते हैं, इन दोनों का जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारा इक्वल्स तो होगा जो हमको नंबर्स दिए हो उसका मल्टीप्लिकेशन होगा, मतलब a इक्वल्स टू a इनटू b इनटू c जितना भी जा सकता है, सो ये फॉर्मूला को हम पहले दिए हुए एग्जांपल से भी हम प्रूव कर सकते हैं, पहला हमारा एग्जांपल था क्या 4 और 20, तो हमारा ये दोनों नंबर का हमारा HCF था 4 और LCM था 20, सो हम HCF ऑफ 4 और 20 इनटू LCM ऑफ 4 और 20 विच इज इक्वल्स टू HCF हमारा 4 है, 4 था और LCM हमारा 20 था, सो हमारा AB HCF ऑफ AB एंड इनटू LCM ऑफ AB इक्वल्स टू A इनटू B,
ये हमको ध्यान रखना है। मैंने अगर एग्जांपल देने दे आपको बोला होगा कि आप HCF फाइंड करें A और B का, A है 4 और B है 20, और LCM हमको दिया होगा कि LCM ऑफ 4 और 20 है 20, सो आप HCF फाइंड करें, तो आप कैसे फाइंड करेंगे? रफ कर लेते हैं, आपको HCF फाइंड करना है HCF ऑफ AB, आपको LCM दिया हुआ है 20 और हमारे दो नंबर्स हैं 4 और 20, सो आप HCF कैसे फाइंड करेंगे कि आप इसको 4 इंटू 20 को 20 से डिवाइड कर लेंगे तो आपको HCF ऑफ AB मिल जाएगा। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको आप इसको लर्न करने की तो जरूरत ही नहीं, इसका यूज करके आपको आप HCF और LCM फाइंड कर सकते हैं। जब HCF और LCM किसी ये दो नंबर, कोई भी दो नंबर का दिया हुआ हो या तीन नंबर चार नंबर का दिया हुआ हो। सो बच्चों हम हमारे आज दूसरे टॉपिक पे आते हैं, दूसरा टॉपिक है रिवाइजिंग रेशनल नंबर। सो उसमें दो थियरम है, मैंने उसको कंबाइन कर लिया है। थियरम पढ़ते हैं हम, लेट x इज इक्वल टू p बाय q बी अ रेशनल नंबर एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p एंड q वेयर p एंड q आर को प्राइम। इफ q इज expressed in the form of 2 raised to n, 5 raised to m, then x is a terminating number. If not, then it is a non-terminating recurring number. So, हिंदी में समझने की कोशिश करते हैं कि हम मान लेते हैं कि x is equals to p by q एक number है, rational number है, और rational number है where p and q, p और q co-prime है. If q is expressed, मतलब अगर q को हम 2 raise to n और 5 raise to m के फॉर्म में एक्सप्रेस कर पाते हैं तो वो नंबर टर्मिनेटिंग होगा। अगर ये फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर पाते q को तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर होगा। जो दोनों नंबर रेशनल नंबर के फॉर्म में आता है, जो तीसरा फॉर्म है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, तो वो नंबर को हम इरेशनल नंबर कहते हैं। सो एग्जाम्पल लेते हैं कि 375/1000, इसको हमको को प्राइम में रखना है, p और q को प्राइम होगा, तो को प्राइम के फॉर्म में हमने ले लिया 3 into 5 is to cube upon 2 cube into 5 cube। अब हमने q को 2 into 5 के फॉर्म में, 2 raise to n into 5 raise to n के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया है, इस नंबर को हम कर पाए हैं which is equal to 0.375, तो ये टर्मिनेटिंग नंबर है। और एग्जांपल लेते हैं, और एग्जांपल 15/14, 3 into 5 हमारा 15 होगा, 2 into 7 हमारा 14 होगा, ये हमारा कोप्राइम में आ गया। अब हम q को 2 raise to n और 5 raise to n के फॉर्म में नहीं दिखा पाए, 14 2 into 7 होता है, so ये equals to 1.071285 which is equals to non-terminating recurring number। So simple समझते हैं कि ये theorem क्या बोलना चाहता है, जिसमें बहुत सारे sums दिए हुए exercise में sums दिए हुए, और आप ये समझ लेंगे, आप आसानी से सब सॉल्व कर लेंगे, बहुत इजी है, कुछ है नहीं इसमें। हमारा कोई नंबर दिया हो x, हमको उसको p और p by q फॉर्म में लाना है, where p and q co-prime होना चाहिए। अगर हम q को 2 raise to n और 5 raise to n के फॉर्म में लाने में एक्सप्रेस करने में कामयाब है तो हमारा नंबर होगा टर्मिनेटिंग, अगर नहीं नाकामयाब हो पाते हैं तो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर होगा। सो बच्चों शुक्रिया हमारे वीडियो देखने के लिए, आपका कीमती वक्त निकालने के लिए। अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, और आपको ऐसे ही वीडियोस आगे भी मिलते रहेंगे देखने के लिए, आप जरूर सब्सक्राइब का बटन दबाएं, और उसके बाजू में बेल आइकन का बटन भी दबाएं, जिससे आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो आप बेझिझक हमारे साथ टेंथ की शुरुआत कर सकते हैं और टेंथ पढ़ सकते हैं, खास मैथमेटिक्स सब्जेक्ट, और साइंस भी हमारी पूरी लाने की कोशिश हो रही है कि मैं साइंस भी इस चैनल में आपको करवा दें, तो आपको क्या आसानी हो। और मैं आपको ये भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो पुअर है, गरीब है, जो ट्यूशन क्लासेस, बड़े बड़े ट्यूशन क्लासेस को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो आप उनको ज़रूर ये वीडियो शेयर कीजिए कि जिससे उनका काम आसान हो जाए। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और मस्ती टाइम।